हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेज में। आज के अपने स्टूडियो में दोस्तों हम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी 1075 पदों के ऊपर दोस्तों, जिनके लिए 91,000 आवेदन लगे थे, उसके एग्जाम को कब कंडक्ट कराया जा रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आज ही का नोटिफिकेशन है, आज की प्रेस वार्ता के दौरान ये राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के द्वारा ये बात कही गई है। तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि मतलब इसके एग्जाम कब कराए जाने हैं, कब से इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो इन सब के ऊपर हम डिटेल्स में स्टूडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं आपको इससे रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कब इसके एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इसका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है कि जो रेवेन्यू इंचार्ज और रेवेन्यू ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम की रिक्रूटमेंट थी, वेरियस पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कार्डेस एंड नॉन टेक्निकल्स कार्डेस की जो पोस्ट रहने वाली थी उसके जो दोस्तों एग्जाम की वो डेट बताई गई है। तो ऑफिसर आर गोइंग बी हेल्ड ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल 2021, यानी कि आपके 15 अप्रैल के आसपास इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं दोस्तों, उससे कुछ दिन पहले आपके इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से था दोस्तों ये अपना आज का नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग जितनी भी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो आपने एग्जाम क्या आपका फॉर्म आएगा उसके उपरांत आपको पता चल जाएगा कि मतलब कैसे क्या आपका एडमिट कार्ड है, कहाँ पर आपके लोकेशन आने वाली है एग्जाम सेंटर की, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है हमारे द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।